हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू शिक्षा फाउंडेशन। हिंदी टाइपिंग कुर्तिदेव का ये पार्ट 5 वीडियो का है। पार्ट 4 तक ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है, तो अगर आपने उसे कंप्लीट नहीं किया है तो वहाँ से जाके पहले उसे कंप्लीट कर लें और फिर इस वीडियो पर आएँ। आपको हमारे चैनल पर हिंदी टाइपिंग कई फॉन्ट में मिल जाएगी और इंग्लिश टाइपिंग भी आप हमारे चैनल से सीख सकते हैं। अगर आपको टाइपिंग की बुक चाहिए तो वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उसे पा सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं उस बुक को। वीडियो को शुरुआत करते हैं, और चैप्टर की शुरुआत करने से पहले हम लोग दो टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे, फिंगर्स नेम और कीबोर्ड का लेआउट। हम लोगों ने इस पार्ट को हर वीडियो में कवर कर रखा है, क्योंकि अगर कोई नया पर्सन किसी वीडियो पर डायरेक्टली आता है तो एटलीस्ट उसे भी वीडियो समझ में आए। तो सबसे पहले फिंगर नेम की बात कर लेते हैं। फिंगर्स नेम का इम्पॉर्टेंस बस इतना सा है कि अगर किसी रो की किसी की को प्रेस करना है तो विद नेम मेंशन करना पड़ेगा कि मध्यमा में, अपर रो में मध्यमा से ये की प्रेस होगी, या लोअर रो में कनिष्ठा से ये की प्रेस करनी है। तो बस इतना सा है। इस वजह से आपको भी ये नाम याद होने चाहिए, जिससे आप समझ पाएंगे इस चीज़ को। कीबोर्ड का लेआउट देख लेते हैं। कीबोर्ड के लेआउट मार्केट में कई अवेलेबल हैं, मतलब आप अगर टाइपिंग करते हैं तो आप देखेंगे आपको कई तरीके के कीबोर्ड मिल जाते हैं। बैक स्पेस और एंटर के इस लेआउट में बराबर दिख रहा है आपको, लेकिन अगर बैक स्पेस छोटा हो जाता है और इस केस में एंटर की बड़ी हो जाएगी जो अपर रो और मिडिल रो को कवर करेगी, तो जो बैक स्पेस के नीचे आपको बटन दिख रहा है वो बैक स्पेस के लेफ्ट में हो जाएगा। अगर बैक स्पेस का साइज इतना ही रहना है और इंटर की बड़ी होती है जो मिडिल रो और अपर रो को कवर करेगी, तो उस केस में इंटर की अपर रो में बड़ी दिखेगी और नीचे जैसे जैसे वो मिडिल रो में आएगी उसका साइज थोड़ा सा श्रिंक होगा, छोटी हो जाएगी, तो वहाँ पर एक की जगह बचेगी, तो बैक स्पेस के नीचे वाली बटन आपकी इंटर की के लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगी आपकी मिडिल रो में। तो इस तरीके से आप देखेंगे ये बटन नंबर रो, मिडिल रो और अपर रो तीनों में हो सकती है। अब शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। हम लोग चैप्टर नंबर 9 नंबर रो से रिलेटेड है। नंबर रो अगर आप टाइपिंग की बुक्स में देखेंगे तो आशा टाइपिंग बुक और अनुपम टाइपिंग बुक में काफ़ी डिफरेंसेस हैं। आशा टाइपिंग में उन्होंने पूरी नंबर रो को एक साथ टाइप करके दिखाया है, जबकि अगर आप अनुपम टाइपिंग बुक को देखेंगे तो उन्होंने नंबर्स की में सिर्फ नंबर्स को रखा है, जो एडिशनल माइनस और प्लस की हैं उन्होंने उसे इग्नोर कर दिया है। एक बार हम लोग कीबोर्ड में देख लेते हैं ये कीज कैसे प्रेस होंगी। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको होम की से सारी बटने प्रेस करनी है, क्योंकि जब आप लर्निंग मोड पे होगे तो यही आपकी प्रैक्टिस फाइनल तक रहेगी। आपने देखा हम लोगों ने अपर रो की को प्रेस किया है जो बैक स्पेस के नीचे थी, वो इस वजह से क्योंकि था क्या, आप लोग एक बार गौर करिए, यहाँ पर जो है आपको क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, तो क्वेश्चन मार्क आपको कहाँ से मिलेगा, जो अपर रो में जो बटन है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, कभी ये नंबर रो पे आएगी, कभी मिडिल रो में रहेगी, कभी अपर रो में रहेगी, तो अभ्यास 9 में उसका डिस्कशन किया है इन्होंने क्वेश्चन मार्क का, मतलब जो आपकी टंकड़ मशीन है उसमें ये क्वेश्चन आपका जो है नंबर रो में जो है बटन रहता है, बैक स्पेस यहाँ पे आपने देखा होगा छोटा सा बटन ही होता है। तो अब हम लोग इस चैप्टर की कर लेते हैं प्रैक्टिस। करना क्या है आपको, बस मेरे साथ इस चैप्टर को एक बार देख लेना है और उसके बाद घर पर इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। हम लोग आ गए हैं नंबर रो पर। यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर जो नंबर आप देख रहे हैं, जो चीज़ें लिखी हैं वो केवल बटनों का सीक्वेंस लिखा है कि कौन सी बटन प्रेस करनी है, लेकिन जब आप इन बटनों को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर जो हिंदी के कैरेक्टर हैं वो प्रेस होंगे। सबसे पहले हम लोग गिनती में 1 के आगे जो आपको बटन दिख रही है वो प्रेस करेंगे, कनिष्ठा से 1 प्रेस करेंगे, 2 प्रेस करेंगे। आपको ये 3 बटन हैं, 1 के लेफ्ट वाली जो बटन है जिससे आपका रुपी सिंबल बनता है, या जो आधा रा बनता है वो, और 2, आपको 2 तक जो है कनिष्ठा उंगली से प्रेस करना है, उसके बाद अनामिका से आपको 3 प्रेस करना है, फिर आपको मध्यमा से 4, फिर आपको तर्जनी से 5 और 6।
स्पेस दिया। अब यहाँ पर देखें बैक स्पेस के नीचे जिस बटन का मैं जिक्र कर रहा था, चैप्टर में उसको कवर किया गया है, तो मेरे लेआउट में ये अपर रो में है। तो पहले मैं अपर रो की उस की को प्रेस करूँगा, फिर बराबर, फिर माइनस, फिर 0987। तो ये आपको प्रेस करना है। अगर बैक स्पेस आपका छोटा होगा तो ये बटन जो मैंने राइट हैंड में सबसे पहले यूज़ की है, ये आपको बैक स्पेस के लेफ्ट में मिल जाएगी। इसकी प्रैक्टिस आपको अच्छे से करनी है। नंबर की बहुत ही कम यूज़ होती है किसी भी पैराग्राफ में, तो आप इसे चाहें तो देखकर भी टाइप कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करें कि एक बार इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लें। आपको कितने पेजेस ये टाइप करना है मैटर, अकॉर्डिंग टू बुक आपको 5 पेजेस ये टाइप करना है और उसके बाद अगले चैप्टर की ओर बढ़ना है। लेकिन आपको ये जो नंबर्स हैं वो फिंगर्स पे लर्न हो जाने चाहिए, आपको एटलीस्ट इतना ज़रूर टाइप कर लेना है और उसके बाद चैप्टर नंबर जो 10 है वो शिफ्ट के साथ कीज़ का है, तो उसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।